everyone, this is me, Satya here, आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर एवर मीन्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके माइंड में डाउट है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है और आप जानना चाहते हो कि क्या आप सही हो या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए और एक गाइडेंस भी ऐड करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या चीज़ है, अगर कोई और पर्सन नहीं है तो क्या चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रही है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके स्पेसिफिक समवन की लाइफ में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मैंशन कर दूँ यहाँ पर, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सन या तो मैरिड है और आप उसकी ज़िंदगी का थर्ड पर्सन हो, या फिर आप जानते हो कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, जिनको नहीं पता कि ऐसा कुछ है या नहीं, आपको सिर्फ डाउट है या सिर्फ फियर है। अगर आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है और आप जानते हो तो ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करेगी। सो लेट्स सी क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना। ऑफ सोल्स, द एम्परर, वाओ। आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल है लेकिन ऐसा है नहीं, यू नो आपके पर्सन की जिंदगी में कोई और। ये दो कार्ड्स आर मोर देन इनफ टू टेल यू द स्टोरी ऑफ योर पर्सन। आपका पर्सन आपके साथ अगर नहीं है तो किसी के साथ नहीं है। आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल है क्योंकि शायद आप जो चाह रहे हो इस कनेक्शन में राइट नाउ वो आपको नहीं मिल रहा है इसके साथ, और ये डेफिनेटली आपको बॉदर करता है। आपके जहन में डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं क्योंकि पर्सन आपको फुलफिलिंग एनर्जीज नहीं दे पा रहा है, आप खुश नहीं हो पा रहे उसके जो भी वो गिवन कर रहा है कनेक्शन में, आप उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपके डाउट्स और फियर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक ऐसा बंदा या बंदी है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो आंखें बंद करके। यू नो अगर ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा तो ट्रस्ट मी कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वो डील कर रहा है। हो सकता है उसका तरीका सिचुएशन को डील करने का गलत हो, लेकिन ये किसी और इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इसको किसी में होना होता तो शायद ये आप में ही होता। सो गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर आपको डाउट है, फियर है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, ट्रस्ट मी आप विश भी करोगे तो तब भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाए, वो मूव ऑन कर जाए आपसे। ये पर्सन आपका है और इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है। अगर इसको कुछ चाहिए होगा इन अ लविंग वे, इन अ रोमांटिक वे, इन अ रिलेशनशिप वे, तो ये आपको ही चाहेगा। सो ये डाउट और फियर तो आप अपने जहन से निकाल दो कि इसकी ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान है जिसकी वजह से सिचुएशन आपकी और इसके दरम्यान में आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुझे लगता है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट नोइंग द फैक्ट ये पर्सन आप में इन्वेस्टेड था, अभी नहीं है, या अभी आपको फील नहीं हो पाता है, या अभी आपको डाउट आते हैं, तो ये डाउट आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ के क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये उसके एंड से देखो तो वो पर्सन आप में ही इन्वेस्टेड था और है। शायद अब चीज़ें बदल चुकी हैं, सर्कमस्टांसिस बदल चुके हैं। हो सकता है इनिशियली पर्सन बहुत ज़्यादा गिव इन करता हो और बहुत ज़्यादा बात करता हो, शायद अभी इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, सिचुएशन डिफरेंट है, तो वो आपको उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा है, या आपको लगता है कि वो आपको पुश अवे करता है। हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं क्योंकि आपके डाउट्स एंड फियर्स हैं, तो आप दोनों के फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद वो आपको जानबूझ के भी पुश अवे करेगा ताकि कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट ना हो। सो वो चीज़ भी एक आपके रिलेशनशिप को राइट नाउ ब्लॉक कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान है। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि आपका पर्सन राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं चाहता है। वो शायद अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टेड है और उसको फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में कोई भी जो है ड्रामा जो है वो नहीं चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये एक मेजर रीज़न है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि पर्सन जो है अगर आपसे दूर है तो इट्स नॉट दैट कि वो किसी और के करीब है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के अंदर या अपने जो गोल्स हैं या जो अपने जो एक यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, उसके साथ वो राइट नाउ जो है वो डील कर रहे हैं।
It has nothing to do with another person. It has nothing at all to do with another person. So definitely, फिलहाल वो अगर आपसे अपने आप को दूर रख रहे हैं तो वो अपना सारा फोकस किसी और चीज़ में लगाना चाह रहे हैं, एंड इट्स अ चीज़ नॉट अनदर पर्सन. सो ये अपने जहन से जो आपका डाउट है उसको आप निकाल सकते हो. मुझे लगता है कि इफ़ एंड वेन द पर्सन इज़ रेडी ये आपके पास ही आएगा. तो कोशिश करो कि आप अपने डाउट्स एंड फियर्स को एलिमिनेट कर सको गिवन सर्कमस्टांसिस में. शायद आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने फियर्स को या अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर लोगे तो ये बिलीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा. लेट्स सी कि करंट सिचुएशन में पर्सन आपसे क्या चाहता है. एक या दो कार्ड्स लेंगे हम सर. पर्सन चाहता है कि जो करंट सिचुएशन है जिसमें वो घिरा हुआ है उसमें आप उसको जो है अंडरस्टैंड करो. इवन दो सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स ऑफ डार्कनेस है इसकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप पे भी, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके ऊपर फेथ रखो. गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, उसका साथ रहते हो, फाइट एंड आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा. सो कोशिश करो कि यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपने आप को रिलैक्स करो. लेट मी टेक सम कार्ड्स आस्किंग द क्वेश्चन कि क्या चीज़ है जो इस इंसान को फिलहाल या आपके रिलेशनशिप को फिलहाल ब्लॉक कर रही है. क्या वो चीज़ है जिसको जो कि रीज़न बन रहा है आपके रिश्ते में ब्लॉक का, जिसकी वजह से आपको डाउट्स एंड फियर्स आ रहे हैं. आपका पर्सन जो टाइम लगा रहा है वो आपको इरिटेट कर रहा है. आपको लगता है कि अगर हम साथ हैं और अगर हम वाकई में एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों हमें और टाइम चाहिए, क्यों हम इस चीज़ को रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे हैं. सो वो सारे डाउट्स एंड फियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगने लगा है कि शायद आपका पर्सन कभी शायद आपसे कमिटमेंट दे ही ना, कभी आपसे शादी करे ही ना. तो वो जो डाउट्स एंड फियर्स हैं कि वो अगर प्यार करता है तो वो ये क्यों नहीं कर रहा. सो वो जो ये क्यों नहीं कर रहा वाली चीज़ है वो आप क्यों इट्स मेकिंग इट हार्ड फॉर यू टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ पर्सन के ऊपर. और कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी इसमें पूरे मामले में ख़राब कर रही हैं चीज़ें. लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में, क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ. क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ. ट्राई टू साइलेंस द माइंड. लेट साइलेंस गाइड यू टू योर इनर पीस. आप जो माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, उस एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. जब आप अपने माइंड को साइलेंस करते हो तो आप रियलिटी को देख सकोगे. अभी तो आपके माइंड में जो डाउट्स एंड फियर्स हैं वो लाउड हो रहे हैं. जितना ज़्यादा सोचोगे नेगेटिव चीज़ें, उतना ज़्यादा आपको और रीजंस दिखेंगे, और सिचुएशंस दिखेंगी जो कि आपको लगता है कि वो कर सकता है वो लेकिन कर नहीं रहा. तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स करोगे और टेक अ डीप ब्रेथ अराउंड इट, ट्राई टू रिलैक्स अराउंड इट. ज़्यादा अपने माइंड में सवाल करोगे इस करंट सिचुएशन को लेकर, पर्सन की इंटेंशन को लेकर, उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी. कोशिश करो कि आप अपने आप को लिमिट करो टू थिंक पॉजिटिव ओनली. जब आप ये कर पाओगे तो पॉजिटिव ही होगा. जैसे आप इट्स इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला. जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो वो एक्सपांड हो जाती है, वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा आपको दिखने लगेगी. चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो एक स्पेसिफिक कलर है कार का, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन है, चाहे वो शॉर्ट हाइटेड गाइज या गर्ल्स हैं. अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे आजकल आपको यही दिखता है तो ट्रस्ट में आपको वही दिखना शुरू हो जाएगा. और ये अगर आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे, रीअफर्म करोगे, उतना ज़्यादा वो होगा. तो अगर आप अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने माइंडसेट को लिमिट करोगे टू पॉजिटिव थिंकिंग ओनली, तो वो ही होगा. अगर आप ये छोटा सा फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लो और सिर्फ पॉजिटिव सोचो और सिर्फ ये सोचो कि आपका पर्सन सिर्फ आपसे ही प्यार करता है और यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन उसकी ज़िंदगी में, तो ऐसा ही होगा. जहाँ पर डाउट्स आते हैं, जहाँ पर फियर्स आते हैं, वहीं पे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं. सो यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ कि आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा अफर्म करना है, पॉजिटिव अफर्म करना है. जब ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आप अबंडेंस जो है वो अट्रैक्ट कर सकोगे. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.